नमस्कार, नादी टीम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। ब्रिटेन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की लड़ाई वनवास को खत्म करने के लिए जारी है। कांग्रेस भले ही 24 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रही हो, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस का जनाधार यहां से खिसकने लगा था। कांग्रेस को चुनौतियां तब भी थी और आज भी बरकरार है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है। इस खिसकते जनाधार को रोकने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल सियासत के पिछले पन्नों को पलटा जाए तो ये बात निकलकर सामने आती है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस अपना जनाधार खोती रही। भले ही प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस के नेता लंबे समय तक काबिज रहे हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी साल दर साल मजबूत होती रही। आंकड़े बताते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस का जनाधार खिसकता चला गया। साल 1991 में 40 में से 27 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। 1996 के चुनाव में 40 में से 8 सीट कांग्रेस को मिली। 1998 के चुनाव में 40 में से 11 सीटें मिली। 1999 में 40 में से 11 सीटें मिली। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव हुए। 2004 में कांग्रेस को 29 में से 4 सीटें मिली। 2009 में 29 में से 12 सीटें मिली। 2014 में 29 में से 2 सीटें मिली। 2019 में 29 में से मात्र 1 सीट मिली। इससे समझा जा सकता है कि जब 1996 में प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब कांग्रेस की मात्र 8 सीटें थी, और जब केंद्र की सत्ता में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही तब भी प्रदेश में कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई। यानी कि कांग्रेस की चुनौती तब भी थी और आज भी है। यानी कि साल 1991 के बाद से कांग्रेस की प्रदेश में 27 सीटों पर दोबारा कभी जीत नहीं हुई, जबकि बीजेपी का ग्राफ साल दर साल बढ़ता चला गया और अब 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। 24 घंटे सातों दिन, चुनाव हो या ना हो, सतत संपर्क और संवाद के साथ जनता के बीच रहती है। पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव नहीं होते हैं तो जनता के दुख सुख में और सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए हितग्राही आधारित राजनीति करता है। एक ऐसे समय में जब मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को बदलना और बेहतर और विकसित भारत की संकल्पना मोदी जी की गारंटी हो, ऐसे में जनता का आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस न नेता है, न नीति है, न नियत है, और ये दोनों ऐसे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस अपने रसातल की ओर जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जो है ऐसा परिणाम देगी जो 2009 से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता के लिए सुखद होगा। हम 12 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के खिलाफ जनता जो है वो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर कांग्रेस को समर्थन देगी। कांग्रेस को छत्रपों में बटी पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस नेता गुटों में बटे नजर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी गुटीय राजनीति के कारण कांग्रेस बीजेपी से हर बार चुनाव में पिछड़ती रही है। कांग्रेस नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही उलझे रहते हैं, तो वही बीजेपी के नेता जनता के बीच बने रहते हैं और संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस अपने जनाधार को गिरने से कितना बचा पाएगी, ये नतीजे ही बताएंगे।